देखिए हम पंचशील हाई स्कूल पटना सिटी के प्रांगण के पास खड़े हैं, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भवन बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर आज हंगामा भी हुआ है, कई बार हुआ हंगामा। लेकिन यहाँ के किसान जो रहने वाले का कहना यह है कि ये प्लॉट जो है मेरा है और गवर्नमेंट जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। दूसरी बात यह है कि कहीं पर देखिए यहाँ पर जो भगवान का जो तस्वीर वगैरह लगा था उसको मानवता के आधार पर हटा देना चाहिए था, वो प्रभु का जो तस्वीर था हटाया नहीं गया, उसको किरान के तौर धरा के वहीं दफन कर दिया गया। कि कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिस भगवान को हम लोग पूजा आस्था करते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। दूसरी बात है जहाँ हरियाली की बात होती हो, हरियाली वहाँ वृक्ष को भी देखिए किस तरह रोन दिया गया है, सब सरकार का ये नियम है कि हरियाली होनी चाहिए। दूसरी बात डीसी एलआर भी नहीं जवाब दे सकते हैं, ना सीईओ कहते हैं कि वहाँ मैं नहीं बोलने का उचित समझता, मैं नहीं बोलूँगा, कौन बोलेगा, कौन जवाब देगा, ये समझ में नहीं आता। वही ये लोग का आरोप है कि यहाँ पर जानबूझकर हम लोग को परेशान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती किया है, न्याय नहीं अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। वही महिलाएं को भी मारा गया है, जिससे इन लोगों ने आरोप लगाया कि महिलाएं बेहोश होकर गिर गई, उनको लाते हुए भी हमारा फोटो लाइव शॉट है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह प्रशासन ने गालियाँ भी बखी है, भविष्य क्या वहाँ उस तरह से भी गाली मुक्ता चल रहा था, काफ़ी आक्रोश व्याप्त हुआ लोगों में। लोगों की सबसे बड़ी भावना यह है कि भगवान का फोटो भी लोगों ने ध्वस्त कर दिया, नरक पल पानी में फोटो को गिरा दिया गया। एक कितनी त्रासदी है, जिस भगवान पर आस्था जुटी होती है, भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, उस फोटो को भी इन लोगों ने सम्मानपूर्वक नहीं हटाया और उनको नरक वाले पानी में डुबोने का काम किया गया है। उमेश चौबे, पटना सिटी।